पिछले एपिसोड में आपने देखा सासू माँ की कंजूसी की वजह से बिट्टू और उसकी वाइफ बिना सासू माँ को बताए हीटर ले आए, लेकिन सासू माँ बेटे और बहू को हीटर में हाथ सेकते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब देखिए आगे बिट्टू और उसकी वाइफ को सासू माँ की अदालत में क्या सजा मिलती है। कितना प्यारा हीटर था ये, देना ही होगा इसको अब। हाँ, एक ही रात में इसने गर्म कर दिया था रूम अच्छे से, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं है। सॉरी हीटर, हमारा परिवार तुम्हारे लायक है ही नहीं। चलो इसे वापस करके आता हूं, तभी हमारे घर में शांति आएगी। तुम ज्यादा बुरा मत मानना, हाँ ये वापस जा रहा है करके, ठीक है? पता नहीं बिट्टू लोगों के घर में कुछ सुनाई नहीं देता आजकल। चार पांच दिन हो गए सन्नाटा पसरा हुआ है इनके घर में, पता नहीं क्या चक्कर है। उफ़ो यार, आ गए हीटर वापस करके? हाँ आ गया यार। तो गुड न्यूज मम्मी जी को बता दो कि ये हीटर जो गलती से आ गया था उसको वापस कराए करके। अरे नहीं यार, तुम बताओ। पता है अगर तुम बताओगी, तुम बहू हो, तुम्हारे बताने से मम्मी के आगे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। नहीं यार तुम बताओ। नहीं नहीं तुम बताओ। मम्मी जी हीटर वापस कर दिया है। हाँ वापस करके तो आएगा ही, आज तक मेरे बिट्टू ने ना एक टॉफी तक मुझसे बिना पूछे नहीं ली। इतना सीधा है मेरा बिट्टू, बहका दिया गया मेरे बेटे को, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया उसने, बिगाड़ के रख दिया है मेरे बेटे को। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही बता के आना हो बुढ़िया को, मैं नहीं बताऊंगी। अरे सॉरी सॉरी मम्मी जी को। ठीक है मैं बता के आता हूँ। हाँ चार पांच दिन से ये ऐसे ही घूम रही है, लगता है ये सन्नाटा जो है बहुत बड़े तूफान की घंटी है। लगता है हमारे परिवार में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बी पॉजिटिव। अरे बिट्टू की माँ, चार पांच दिन हो गए तुझे, कुछ तो बोल दे, तूने क्या रखा अपने मन में? ज्यादा दबाएगी मन में तो बहुत बड़ा भयंकर बम बन जाएगा मन में, और जब वो फूटेगा ना तो तेरे ही शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा कुछ पता भी है, अखबार में घुसे रहते हो दिन रात। शादी से पहले बिट्टू मेरे मन का था, अब बहू के मन का हो गया है। बहू के भड़काने पर हीटर ले आया है। हाँ अब घर में इतना बड़ा बिल आएगा ना, हमारा पूरा परिवार उसमें समा जाएगा। कुछ पता भी है तुम्हें? हाँ मुझसे नहीं होगा। कैसे न कैसे हिम्मत करके बताना तो पड़ेगा ही। बी पॉजिटिव। बात करते हैं यहाँ।
अखबार में इतनी खतरनाक घटनाएं नहीं घटती हैं, जितनी हमारे घर में घटती हैं। हाँ, पूछो अपने बेटे से किसके कहने पर हीटर लाया। मेरी तो नहीं सुनता है, बहू की सुनता रहता है। अरे तो बेटों की मैं तेरी मैं सुनता हूँ ना। इस दुनिया में हर पति केवल पत्नी की सुनता है, और कोई कहाँ सुनता है शादी के बाद। तो तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है मेरी बातों का। अरे बिट्टू की माँ, अब तेरी हथौड़े की चोट जैसी बातें मेरे दिल पे लगती है ना। इतने बरस हो गए वो चोट लगते लगते, अब मेरा दिल मजबूत हो गया है बिट्टू की माँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी बोल देती है। चुप रहो, अब समय आ गया है। समय कहाँ है मेरा साला, कहाँ है, कहाँ आया? चुप रहो। मेरा भाई नहीं, अब मैं कह रही हूँ वक्त आ गया है सजा देने का। अरे बिट्टू की माँ, मेरे जीवन में पहले पहली बार सुना के तो कुछ देना चाहती है, लेकिन सजा क्यों बिट्टू की माँ, सजा क्यों? अगर तू देना ही चाहती है तो जो तूने काजू बादाम छुपाए हैं, जो तूने पैसे छुपाए हैं वो दे दे, दान भी हो जाएगा और लोगों का भला भी हो जाएगा। कुछ नया होने वाला है शायद बिट्टू की फैमिली में, लग रहा है सही। बता के आ गए मम्मी जी को? मेरे बस की नहीं है यार मम्मी को फेस करना। बाप रे, मेरे बस की भी नहीं है मम्मी जी को फेस करना। जब से हमने शहर में मकान बनाया है, आज पहली बार उस बहू के वजह से हीटर घर में आया है। कल को एसी के लिए कहेगी, फिर वॉशिंग मशीन लाओ कहेगी। इस घर के हालात खराब हो उससे पहले मुझे उस बहू को सजा सुनानी होगी। हाँ, ताकि शंभू और शांति के परिवार में कोई हीटर लाने की हिम्मत ना कर सके। बिट्टे की माँ, इतना डरा क्यों रही है यार? बहू, बिट्टू, बिट्टू, इधर आओ। लग गई तुम्हारी मम्मी जी की अदालत, चलो चलो। पता नहीं क्या फैसला आने वाला है। जो भी फैसला आएगा मान लेंगे। हाँ, हम लोग आ गए हैं, बोलो। हाँ, तो किसने बनाई हीटर लेने की योजना? अरे मम्मी, हमने किसी की हत्या थोड़ी की है जो आप योजना कह रहे हो। तुमने मेरे विश्वास की हत्या कर रखी है। अरे बिट्टू की माँ, अभी तो तू हीटर कह रही थी, इन लोगों ने तेरे छोटे भाई विश्वास को मार दिया क्या? हाय राम, मेरे बेटे और बहू ने मेरे साले की हत्या कर दी। हे भगवान, इतने दूर से हीटर से करंट लग के भी हत्या हो जा रही है आजकल, क्या हो गया हे राम? अरे चुपचाप बैठे रहो, तुम दिमाग खराब करके रख रखा है। मजा आ रहा है, बड़े दिनों के बाद झगड़ा हो रहा है इनके घर में। मुझे बताना ही पड़ेगा कि किसने बनाई थी हीटर लाने की योजना। मैंने कहा था बीना से कि ठंड बहुत हो रही है, हीटर ले आते हैं। नहीं नहीं माँ जी। हाँ, मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम हीटर नहीं लाओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा एक काम करते हैं, हीटर ले आता हूँ, अपने कमरे में लगाएंगे, मस्त गर्म हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। माँ जी, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। अच्छा तो सुन, एक महीना तुझे हमारे पहाड़ वाले घर में रहना होगा। जैसा जीवन हम लोगों ने व्यतीत किया वैसा ही तुझे भी करना पड़ेगा। जंगलों में जाके लकड़ियां बीन के अंगेठी जलानी होगी, तब तुझे पता लगेगा पैसों का दर्द क्या होता है और मेहनत करना क्या होता है, कठिन परिश्रम करना क्या होता है।
अब आएगा मजा, अब पता चलेगा इनकी बहू को। चंपा चाची बुरी है कहती है ना। मम्मी अपने पहाड़ वाले गांव में भी चलूंगा बीना के साथ। यहाँ पर कोई रामायण चल रही है क्या, जो बहू को बनवास हो गया और तू भी उसके साथ जाएगा? अरे बिट्टू की माँ, शादी के बाद मनुष्य का जीवन रामायण की तरह ही होता है। पति पत्नी का संकट के समय एक दूसरे का साथ देना ही कर्तव्य होता है। तो मैं भी साथ में चलूंगी। पता लग रहा है वहाँ भी बहू ने हीटर मंगवा लिया बिट्टू से और सेवाएं शुरू कर दी अपनी। बिट्टू की माँ तू जाएगी तो मैं भी तेरे साथ आऊंगा। चलो फिर, यहाँ बैठे बैठे अपना शुगर क्या बढ़ा रहे हो तुम भी चलो, सब जाएंगे। तुम भी थोड़ा मेहनत कर लोगे वहाँ, और क्या, चलो तैयारी करो। तो सजा बहुत ही खतरनाक देती है बिट्टू की माँ, ऐसी सजा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता आज के समय में। अरे मैं देती है ना सजा, उठो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा जोशी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, आपके कमेंट में आया था कि सेकंड पार्ट बनाइए, तो हमने बना दिया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और दोस्तों, अब इसके आगे पार्ट्स आते रहेंगे और आने वाला पार्ट्स जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन से आएगा, मजेदार आएगा, बहुत ही कॉमेडी वाला होगा। तो आप लोग देखिएगा जरूर, और वीडियो को ना शेयर जरूर कर देना है प्लीज, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।